सच बताएं हमको ये अरमान का लक्षण ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मतलब जब आपने अबीरा से कर लिया है विवाह, तो आप रूही पर क्यों अपना दिल लटका के बैठे हो? बहरहाल देख लो, रूही के साथ बड़ा चिपक चिपक के, लटक लटक के वो नाच रहे थे। ट्रॉफी मिल गया, लेकिन उसके बाद जान निकला ना, तो बस अबीरा के लिए ट्रॉफी को ये लात मार दी उन्होंने। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, हाँ मैं ना घर का हूँ ना घाट का रहा हूँ। एक तरफ रूही है तो एक तरफ अबीरा है, एक तरफ मेरा पुराना प्यार है, एक तरफ मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अरमान तो चारों तरफ से चकड़ा गया है। होना ही था अरमान, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आजकल ना छोटे पर्दे पर जितने भी हीरोज आए हैं सबकी यही दिक्कत है। एक उनका प्यार होता है तो दूसरी वाली उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर जो जिम्मेदारी होती है उससे भी प्यार हो जाता है, और जो पहला प्यार होती है उसे भी अपने पुराने प्यार पर प्यार आने लगता है। अब यहाँ पर बात अबीरा और रूही की हो रही है। अरमान को इन दिनों समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट का, मतलब ये रहा मैं ना घर का हूँ ना घाट का रहा हूँ। तो वो बेचारा बीच में फंस जाता है कि किस तरफ पहले जाए, किसको पहले देखे, किसकी खुशी देखे। अभी उसने बहुत सारे प्रॉमिसेस भी दे दिए हैं रूही को, वो भी निभाने पड़ेंगे, और अभी उसने जो प्रॉमिसेस अबीरा को माँ को दिए हैं वो भी निभाने पड़ेंगे, अबीरा को जो दिए हैं वो भी निभाने पड़ेंगे। तो अरमान तो चारों तरफ से चकड़ा गया है। अबीरा के लिए सोचता है तो रूही को बुरा लगता है, रूही के लिए कुछ करना चाहता है तो अबीरा नाराज हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, बताए क्या करे क्या ना करे। इसी मुश्किल में अरमान पोदार फंसा हुआ है। अबीरा की तरफ अरमान झुक रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पार्टी में डांस का खिताब जीत लिया रूही और अरमान ने। अबीरा को ये देख कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे कुछ इस कदर धक्का लगा कि उसके कदम लड़खड़ाए और वो सीधे गिर गई। मैं निकल रही हूँ और मैं लड़खड़ाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ। अब देखिए क्या हुआ, जीती हुई ट्रॉफी को नीचे गिरा दिया और वो दौड़ा अबीरा के पास, उसे गोद में उठाकर सीधे कमरे में ले आया। झुकाव नहीं है, बट आई थिंक अगर मेरी जगह रूही गिर गई होती तो भी वो भाग कर आते। रूही को छोड़ के एक ही बंदी के लिए भागा है अरमान, नॉट मी, भागा है अरमान, वो है अबीरा। अब उसके पैरों में वो दवाई भी लगाना चाहता था, लेकिन रूही कि कैसे अबीरा के करीब आने देती अरमान को, इसीलिए उसने खुद ही ये जिम्मा ले लिया। और यहाँ बैठकर अबीरा से जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कर रही है अरमान को लेकर कि अबीरा को गुस्सा आए। जब तुम नहीं रहे घर आए थे तभी भी ये परेशान थी, फिर उसने आके मुझसे अपने दिल की बात शेयर की, उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करूँ ताकि मैं और अरमान अब यहाँ पर ले देकर सबको समझ में आ रहा है कि रूही क्या चाहती है, उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। फिर ऐसे में अबीरा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम केवल जिम्मेदारी हो अरमान की? क्या तुम्हारे दिल में अरमान को लेकर कुछ भी नहीं है? जेलिस होके बाहर नहीं जा रही हूँ, आप सब लोग गलत मत समझिए, जेलिस जैसा कुछ ट्रैक नहीं है। प्यार होगा तो जेलिसी होगी, प्यार नहीं हुआ है गाइस, होगा शायद, नहीं नो सच में नहीं है। चल झूठी, ये तो केवल तुम हमें कह रही हो, लेकिन सीरियल की कहानी में आप भी जानती हैं कि आगे प्यार हो जाएगा आपको। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।